नमस्ते गाइस, आप सभी का स्वागत है बड़ा क्रेजी में। और आज हम बात करने वाले हैं इस एंटर कंपनी के ब्लूटूथ यूएसबी डोंगल के बारे में, जो कि ब्लूटूथ 5.0 वाले वर्जन के साथ आता है। ये स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर सबके साथ कंपैटिबल है गाइस। और ये विंडोज 7, 8, 10, XP ये सब में चल जाता है गाइस। और इससे आप कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, हेडसेट, प्रिंटर, गेम पैड और मोर ये सब चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। इसका जो लिखा हुआ इसके अंदर रेंज है गाइस, वो 20 मीटर लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग ने गलत लिखा है। और गाइस, मैंने ब्लूटूथ इसके लिए लिया था गाइस, क्योंकि मुझे मेरे लैपटॉप में से वो फीचर बहुत अच्छा लगता था कि मैं अपने ब्लूटूथ हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकता हूँ और फिर मैं ऑडियो मिक्सिंग और मास्टरिंग या फिर ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं लाइव हेडफोन से भी सुन सकता हूँ। और मतलब उसके लिए मुझे ऑक्स में वो हेडफोन्स डालने की ज़रूरत नहीं है, ब्लूटूथ वाले कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने गाइस सोचा था कि अगर मेरे पीसी में भी ब्लूटूथ आ जाएगा तो फिर कितना सही हो जाएगा। तो इसीलिए गाइस मैंने ये लिया था। उस अंकल ने मुझे कहा था कि ये एंटर वाला नहीं लेना है, और मुझे टीपी लिंक का लेने के लिए कहा था, जो कि 200 रुपया और महंगा था इससे। लेकिन पता नहीं तभी मैंने क्या सोचा और मैंने ये ले लिया, क्योंकि मैं सोचा कि इसका रिव्यू बना के देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसा है। तो गाइस, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक लगी नहीं। सिर्फ एक ही मेजर प्रॉब्लम मुझे लगी गाइस, कि जब मैं अपने लैपटॉप से मेरे ब्लूटूथ हेडफोन्स को कनेक्ट करता हूँ, तब मुझे वो दो ऑप्शन देता है, एक HD का और एक स्टीरियो का, और दोनों पे म्यूज़िक आता है गाइस। जब लेकिन मैं इस डोंगल को अपने PC में डालता हूँ और जब ब्लूटूथ हेडफोन्स को कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे सिर्फ स्टीरियो का ऑप्शन आता है गाइस और HD का ऑप्शन नहीं आता। तो वो मेरे लिए तो एक प्रॉब्लम है, अगर आपके लिए भी है तो फिर सोचो, समझो, या फिर इसका कोई सोल्यूशन है तो मुझे बताओ यार, मेरे को अभी कुछ नया नहीं लेना है।